हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर रेलवे थाना की पेड़ पौधों व खिलते फूलों से सहायता थार नगरी। बाड़मेर शहर हर आने जाने वाला नजरे जाते ही सुंदरता झलकती। कल थे कचरे ढेर, आज खिलते फूल। बाड़मेर शहर नेहरू नगर थाना जी आरपी बाड़मेर के स्टाफ द्वारा कड़ी मेहनत अभियुक्त लगन से आज रेलवे कॉलोनी में थाने में मुख्य द्वार स्टाफ कॉलोनी अति सुंदर पेड़ पौधे व शानदार हरियाली का नजारा देखने ही बनता है। इस थाने पर ऐसे हो राव राम गर्ग SHO GRP थाना में की पोस्टिंग के बाद से मौजूदा सभी ने GRP के स्टाफ द्वारा हरा भरा थाने को हरियाली के रूप पेड़ पौधे लगाए व देखभाल की गई एक कड़ी मेहनत का फल है। आज से पहले नेहरू नगर वासी यहाँ पर पूरे मोहल्ले का कचरा डालते नजर आ रहे। हर आने जाने गुजरते समय बदबू आ रही। ये सन 2018 में बड़ा गंदगी का वातावरण, चारों ओर गंदगी का भयावह रूप से स्टाफ व आम जन परेशान थे। राव राम गर्ग ने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर इसे एक शानदार लुक दिया है। एक मिसाल है, यहाँ पर अशोक, जामुन, नींबू, अमरुद के पेड़ लगाए गए। गुलाब, मोगरा, चमेली के फूलों के पौधे भी लगाए गए। सामाजिक कार्यकर्ता रामदास सागेला ने अधिकारियों को पत्र भेजकर मांग की। आज भी उस पार हरा भरा GRP थाना हरी भरी फूलों से सुंदरता झलकती नजर आ रही है। इन्होंने पुलिस अधिकारियों से पत्र लिखकर आग्रह किया, इन्हें सम्मानित करें। बाड़मेर शहर में या अभी थाने में हरा भरा देखकर हर गुजरने वाला थाने की सुंदरता, हरे भरे पौधों को देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मन में शांति सुकून मिलता है। ऐसे थार नगरी बाड़मेर जिला मुख्यालय शहर रेलवे स्टेशन के समीप आज हरा भरा व लाल पीले सफेद व सूर्यमुखी व सात आयुर्वेदिक पौधे देखने आने वाला हर आम जन सुकून शांति मिलता है। आज GRP थाना फूलों की खुशबू महकती नजर आ रही है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।